स्टूडेंट, सो जैसे ही आपको बोला गया था एसबीआई क्लर्क के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, उस पर हम रेगुलर लेक्चर्स लेके आएंगे एंड आप देखते भी आपको देखना भी पड़ेगा एंड सो दैट आपका सिलेक्शन फॉर श्योर होगा. ओके, सो जैसे मैंने पहले ही बताया, आपको कल भी बताया था कि आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग से एंड 35 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है 20 मिनट्स में. ठीक है, तो 35 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है 20 मिनट्स में. तो इसका मतलब आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं मिलेगा. कब? अराउंड 35 मिनट्स के आसपास मिले, 35 सेकेंड्स के आसपास मिलेगा, है कि नहीं? तो बहुत जल्दी आपको करना है. तो इसमें इसके लिए हम क्या करेंगे, एक आपका क्वेश्चन आता है जो 5 क्वेश्चन आता है जो 5 मार्क्स का होता है. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे बोला था. और एक क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन आता है आपके नंबर सीरीज से, तो वो भी हम बहुत ही जल्दी करेंगे. तो ये 10 क्वेश्चन आप कम अराउंड 3 टू 4 मिनट्स में कर सकोगे एंड यहाँ पे ही आप लोगों से, बाकियों से जो आपके लेवल में नहीं है उनसे आगे जा सकते हो. क्योंकि यहाँ पे 3-4 मिनट्स में 10 क्वेश्चन करना मतलब बहुत ही ज़्यादा आपका, जैसे का अराउंड 4 मिनट्स भी पकड़ लिया, चलो 5 मिनट्स भी पकड़ लिया, तो 5 मिनट्स में तो 10 क्वेश्चन हो गए, तो बाकी 15 मिनट्स में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं. तो बहुत ही ईजी बन जाता है आपके लिए, है ना? तो यहाँ पे हम प्रोसीड करते हैं कि आपको 5 मार्क्स कैसे मिलेगा 2 मिनट से कम टाइम में. ठीक है, तो आज हम करेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन. तो आपको करना है कि 5 मार्क्स आपको बहुत ही कम टाइम में, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे. आप जल्दी से करोगे ना, आप इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, लेक्चर्स को ईच एंड एवरी डिटेल में अगर याद रखोगे, पूरे डिटेल जैसे मैं बताती हूँ कि आपको क्या क्या करना है वो अगर आप करोगे, तो डेफिनेट है 2 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा आपको सारे क्वेश्चंस करने के लिए. तो सीधा हम जाते हैं लेक्चर पे. तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो है रिमेम्बरिंग द प्लेस वैल्यूज ऑफ अल्फाबेट्स. तो आपको अल्फाबेट के सारे तो नंबर पता होता ही है, सारे जैसे ए से लेके जेड तक आपको सभी के सभी पता होता ही है. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी आपके सीरीज के क्वेश्चन आते हैं या फिर एनालॉगी के क्वेश्चन आते हैं या फिर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, हम नहीं कर पाते हैं. अभी हमें मैंने ऐसे मेरे स्टूडेंट के एक स्टूडेंट ने बताया कि मैम बाकी क्वेश्चन तो बन जाता है लेकिन ये जो अल्फाबेट्स के क्वेश्चन आते हैं मुझे ना समझ में ही नहीं आता. राइट, नंबर वाले तो बन जाते हैं लेकिन अल्फाबेट्स वाले समझ में ही नहीं आता. लेकिन अल्फाबेट्स वाले भी बहुत ज़्यादा इजी हैं अगर आप उसको नंबर से करो तो. ठीक है, तो इसीलिए हम उनके प्लेस वैल्यूज को याद रखेंगे. ये और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके प्लेस वैल्यूज को याद रखना. तो देखते हैं इनके प्लेस वैल्यूज क्या है. इनके प्लेस वैल्यू जो है, ए का प्लेस वैल्यू है 1, बी का 2, सी 3, 4. अब प्लेस वैल्यू जब मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है कि उनके लेफ्ट साइड से उनका पोजीशन क्या है, लेफ्ट साइड से उनका पोजीशन क्या है. ठीक है, राइट साइड से नहीं, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड से लिख रही हूँ. लेफ्ट साइड से ये 1 है, लेफ्ट साइड से ये 4 है. ठीक है, तो लेफ्ट साइड से पोजीशन क्या है, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट. ओके, तो ये है पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट. सबके सब हम लिख लेंगे पहले, फिर उसको याद करेंगे. ओके, ये है पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट. अगर देखो आपको अगर ये प्लेस वैल्यूज याद रहे और मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि विच विच अल्फाबेट इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट, 12 फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा अल्फाबेट है, अगर मैं आपको पूछूं तो सीधा आप बोल सकते हो कि एल है. वैसे ही अगर आपको कोई भी यहाँ से एक 1 से लेके 26 तक कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर कर पाओगे. तो अब इसको याद रखेंगे कैसे, तो इसको याद रखने के लिए सबसे पहला ट्रिक है ई जो टी. हम याद रखेंगे ई जो टी को. ठीक है, ई जो टी बहुत ही सिंपल होगा, बस कुछ कुछ चीज़ आपको याद रखनी है. तो हम याद रखेंगे ई जो टी. ओके, ई जो टी अगर आप याद रखोगे, फिर अब देखिए ई जो टी याद रख के, ये ई जो है वो क्या है, ई है 5, जे है 10, ओ है 15, टी है 20 एंड वाई है 20.
95. तो बेसिकली ये क्या है, ये 5 के मल्टीपल्स है. तो अगर आप ई जो टी याद रखते हो तो आपको सभी के सभी याद हो जाएंगे. तो 5, 10, 15, 20 and 25 क्या होता है, ई जो टी. क्लियर. फिर आगे बढ़ते हैं, बाकी भी तो याद रखना है. ऐसा तो नहीं कि खाली हम 5 ही याद रखेंगे, बाकी भी याद रखेंगे. तो बाकियों को कैसे याद रखें, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5 एंड एफ का 6. यहाँ तक सभी को याद रहता है, इसमें आपको कोई मुश्किल ही नहीं होता. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जी, जी को हम ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं. बताइए ये क्या है, ये है आपके 7. तो जी 7 की तरह दिखता है, तो जी का वैल्यू है 7. क्लियर, क्लियर है. तो जी कितना है, जी है 7. ओके, नेक्स्ट एच. एच हमने ऐसे लिख दिया, तो फिर ऊपर अगर हमने ऐसे दो स्टिक्स कर दिए, उसको ज्वाइन कर दिए, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 8. तो एच का है 8. क्लियर, एच अगर आप ऐसे लिखते हो, दो ऊपर लगा देते हो, तो बन जाता है 8. क्लियर. फिर उसके बाद आई. आई को बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, आपने भी लिखा होगा, आपने भी कभी ना कभी आई को ऐसे लिखा होगा. ये क्या है, ये है 9, है कि नहीं, ये 9 है. 9 को भी बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, तो आई ही 9 है. क्लियर. जे आप याद रखोगे इजोटी से, इजोटी जे का 10 है. के को आप याद ऐसे रख सकते हो, के ये है, के को अगर हमने ऐसे तोड़ दिया, थोड़ा सा तोड़ के हमने ऐसे थोड़ा अरेंज कर दिया, तो ये क्या बन गया, 11. तो के का वैल्यू क्या है, 11. ठीक है. अब एल से होता है, एल से होता है लव. एल से होता है लव. एंड जो ये लव है वो ना सबसे ज्यादा जो 12 इयर्स के बच्चे होते हैं ना, उन्हीं के वो सबसे ज्यादा लव होता है. तो एल से लव, लव से 12. क्लियर. फिर उसके बाद एम से होता है मिडिल. एम से होता है मिडिल. अब मिडिल मतलब क्या है, मिडिल मतलब आधा. तो मिडिल मतलब आधा है, इसका मतलब है 26/2 कितना है, 13. क्लियर. अगर एम आपको याद है तो हमेशा हमको ये पता ही होता है, एम एंड ओ पी. तो एम अगर 13 है, एन क्या होगा, 14. ओ आप याद रखोगे इचोटी से, ओ का है 15. ओ अगर याद है तो हम याद रखेंगे पी को, पी का है 16. क्लियर. फिर उसके बाद क्यू. अब ये जो क्यू, ये जो क्यू लेटर है, ये बहुत ज़्यादा यूनिक है कि नहीं, बहुत कम वर्ड्स में आते हैं. 17 भी यूनिक है, क्योंकि दोनों ही यूनिक है, तो दोनों साथ में है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आर पे. तो आर आप कैसे याद रखोगे, आर से होता है रजनीकांत, सुपरस्टार रजनीकांत. आप लोगों में से किसी का फेवरेट भी होगा, राइट. तो आर से होता है रजनीकांत. वैसे रजनीकांत सर तो बहुत ज्यादा एजेड होंगे, लेकिन अभी भी जब भी वो मूवी करते हैं, ही लुक्स लाइक एन 18 ईयर ओल्ड, है कि नहीं, वो 18 ईयर ओल्ड की तरह लगता है. इसीलिए आर से रजनीकांत, रजनीकांत से 18. क्लियर, याद रहेगा. बस हम ये छोटे मोटे ट्रिक्स का यूज करें ताकि आपको ये सब याद रहे. ठीक है. फिर एस से होता है, एस से होता है गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर. ठीक है, सचिन तेंदुलकर. अब जो सचिन तेंदुलकर ने उनके जो फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल है, वनडे इंटरनेशनल खेला था व्हेन ही वाज 19 साल के उम्र में उन्होंने फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल खेला था. तो सचिन तेंदुलकर, एस से सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर से 19. ठीक है. टी से देखिए, टी का 2020 या फिर T20, इसीलिए उसको T20 बोला जाता है, क्योंकि टी का जो प्लेस वैल्यू है वो होता है 20. क्लियर. फिर आगे, फिर यू. अगर ये हमें पता होता है टी के बाद यू आना होता है, तो टी अगर 20 है, यू होगा 21. ठीक है. फिर उसके बाद अब देखिए वी, जब भी हम करते हैं वी, जब भी हम करते हैं वी, वी ऐसे कर सकते हैं, वी हम फिंगर से शो करें, तो दो फिंगर्स का यूज करते हैं. तो वी से 2, तो 20+2 कितना होगा, 22. क्लियर. वैसे ही W अगर फिंगर से शो करवाए, तो 3 फिंगर्स का यूज होता है, तो 20+3 23. क्लियर.
फिर उसके बाद जो आपके एक्स वाई जेड है, वाई आप याद रख लेना ईचोटी से, तो वाई 25 था, तो एक्स कितना होगा 24 एंड जेड 26। तो सभी याद हो गए आपको, ठीक है? तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, इन सबको आपको याद करना है। कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ज़रूरी है ये, एंड ऑल्सो हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज में, एसएससी में भी बहुत ज़रूरी है ये, बैंक में भी तो ज़रूरी है ही, लेकिन एसएससी के भी कोई अगर प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी में एनालॉगी क्लासिफिकेशन एंड सीरीज के क्वेश्चन आएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। बैंक में क्लर्क हो या पीओ, उसमें आपके सीरीज के क्वेश्चन आने की संभावना है, साथ में ऑड वन आउट भी आ सकते हैं, या फिर जिसे क्लासिफिकेशन कहता कहा जाता है। एनालॉगी आजकल नहीं आ रहा है, लेकिन आ भी सकता है, ठीक है? लेकिन थोड़ा बहुत हमें हेल्प चाहिए होगा इसको करने के लिए, आपकी मशीन इनपुट में काम आएंगे। जब तक आप ये ना करो, ये प्लेस वैल्यूज याद ना रखें, तब तक आप कोडिंग डिकोडिंग नहीं कर पाओगे, तब तक आप मशीन इनपुट नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, अगर अभी मैंने आपको बता दिया कि लेफ्ट साइड से कोई भी एलिमेंट के बारे में पूछ लिया, से मैंने आर के बारे में पूछ लिया कि विच से मैंने ऐसे पूछ लिया कि विच एलिमेंट इज 19 फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज, 19 फ्रॉम लेफ्ट किसका है, 19 फ्रॉम लेफ्ट हम सीधा बोल सकते हैं 19 जिसके प्लेस वैल्यू है, तो किसके है, एस के, एस का सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर से 19, तो एस 19 होगा, तो आपका आंसर होगा एस, ठीक है? लेकिन ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली नहीं आएंगे, तो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं कि रिवर्स प्लेस वैल्यू। अगर अब देखियो, अब मैंने अगर पूछ लिया लेफ्ट साइड से, जो आपको सभी के सभी पता है, लेकिन अगर राइट साइड से मैंने पूछ लिया कि राइट साइड से आपके 12th अल्फाबेट कौन होगा, राइट साइड से 12th अल्फाबेट कौन होगा, तो हमें क्या पता है, हमें राइट साइड से पता है राइट साइड से 12, ठीक है? तो अब देखिए, राइट साइड से थोड़ी ना हम याद रखेंगे, लेकिन हमें पता होता है लेफ्ट साइड से प्लेस वैल्यूज, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 27 माइनस 12 कर देंगे, ठीक है? 27 माइनस 12 जो होगा 15, तो 15 किस साइड से, लेफ्ट साइड से, तो 15 लेफ्ट साइड से मतलब ओ, क्लियर? तो बहुत इजी होता है। तो पोजीशन ऑफ अल्फाबेट, राइट से अगर किसी अल्फाबेट का पोजीशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट कर देंगे, या फिर उसको उल्टा भी लिख सकते हैं, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इज 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट, ठीक है? ये याद रखना है, 27 से माइनस करना है, 26 से नहीं। इसके पीछे कारण है, क्योंकि हम एक जो पॉइंट है, इसमें डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर फिर भी आप इंक्यूसेटिव हो कि क्यूएस कैसे होता है 27, तो प्लीज़ कमेंट करिए, एंड देन आई एक्सप्लेन इट टू यू, ओके? नेक्स्ट नेक्स्ट समझाते हैं। तो ये हो गया हमारा, पहले हमने सारे अल्फाबेट्स को याद रख लिए, ए से लेके जेड तक, फिर उसके बाद हमने उनके रिवर्स को कैसे निकालना है वो भी याद कर लिया, बस कुछ नहीं 27 से उसको माइनस करना होता है। 27 से राइट साइड को अगर माइनस करोगे तो लेफ्ट साइड आपको मिलेगा, फिर लेफ्ट साइड का हम आंसर निकाल लेंगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, नेक्स्ट हम याद रखेंगे रिवर्स। अब रिवर्स जो है वो आपके यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग में, पर फिर भी जैसे हम अब अल्फाबेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो साथ में ही कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर रिवर्स करेंगे तो ए का जेड है रिवर्स, ठीक है? ए का रिवर्स जेड है, बी का रिवर्स वाई है, सी का एक्स है, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, एंड सो ऑन। तो इसको याद कैसे रखेंगे, ए जेड से याद रखेंगे अमेज़न, बी वाई से बॉय, सी एक्स से क्रैक्स, खाने वाली चिप्स नहीं मिलती क्रैक्स, वही, डी डब्ल्यू से ड्यू, माउंटेन ड्यू, ठीक है? नेक्स्ट ई वी से इवन, ओके, एफ यू से फन, एंड जी टी से सबसे सबसे जो बर्निंग टॉपिक है जीएसटी, ठीक है? वही, या फिर आप याद रख सकते हो जी टी रोड, जी ओ टी, जी ओ टी का कोई फैन है तो जी ओ टी, ठीक है? कोई सा भी, नेक्स्ट हीज, एच एस से हीज, या फिर हाई स्कूल, या फिर हायर सेकेंडरी, जो आपको याद रहे, ठीक है? आई आर से इंडियन रेलवेज, इंफ्रारेड, ठीक है? या फिर आई एन आर, कुछ भी आप याद रख, बस याद रखना है हमें। जे क्यू यू से होता है जैक एंड क्वीन, या फिर हम बोल सकते हैं जंगल क्वीन, या फिर बहुत लोगों ने मुझे ये भी बताया, बहुत मेरे स्टूडेंट्स ने ये भी बताया कि जैकलीन भी हम याद रख सकते हैं।
तो जैसे आपको पसंद है वैसे ही आप याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट केपी से हम याद रखेंगे कानपुर या फिर कपूर, ठीक है, जो आपको याद रखे। ऐसा देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बस यही याद रखना है, आप आपका खुद का बना भी सकते हो जो आपको याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट LO से है आपका लव, जो 12 साल में होता है वो लव, ठीक है। नेक्स्ट MN से मैन, क्लियर। तो ये रिवर्स हमें याद रखने हैं, ओके। यहाँ रिवर्स की मैं और एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को, लेट अस सी। मैं आप देखो, मैं आप यहाँ पे लिख रही हूँ लेफ्ट साइड से इनके प्लेस वैल्यूज, ओके। और राइट साइड से भी लिख रही हूँ। राइट साइड से वही होता है कि 26, 27 से माइनस करना होता है, तो बस मैं इसको लिख रही हूँ फिर से। देखिए यहाँ पे ए ए जो फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट है, फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट जो है वो फर्स्ट फ्रॉम द राइट की रिवर्स है कि नहीं, फर्स्ट फ्रॉम द राइट की रिवर्स है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, 26 फ्रॉम द लेफ्ट, 26 फ्रॉम द राइट की रिवर्स है, ठीक है। बी एंड वाई, सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट जो है वो सेकेंड फ्रॉम द राइट की रिवर्स है। सी सेकेंड, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट जो है वो थर्ड फ्रॉम द राइट की रिवर्स है। तो वही होता है कि आपका, जैसे मैंने अगर आपको पूछ लिया कि 12 फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा है, तो हमने अभी किया था 12 फ्रॉम द लेफ्ट और 12 फ्रॉम द राइट, वो निकालने के लिए हमने क्या किया था, 27 माइनस 12 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो वो हम कर सकते हैं 15 फ्रॉम द लेफ्ट, तो 15 फ्रॉम द लेफ्ट किसका है, ओ का। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 12 फ्रॉम द राइट जो है वो रिवर्स ऑफ 12 फ्रॉम द लेफ्ट भी है, ठीक है, रिवर्स ऑफ 12 फ्रॉम द लेफ्ट भी है। तो 12 फ्रॉम द लेफ्ट कौन है, 12 फ्रॉम द लेफ्ट एल है, तो एल का रिवर्स क्या है, रिवर्स ऑफ एल ओ है, ठीक है। तो वही कर सकते हैं, कोई भी नंबर अगर आपको दिया जाए कि 12 से 17 फ्रॉम द राइट, 17 फ्रॉम द राइट अगर निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स ऑफ 17 फ्रॉम द लेफ्ट। अब 17 फ्रॉम द लेफ्ट किसका है, क्यू, तो क्यू का रिवर्स क्या है, जे, तो जे ही आपका आंसर होगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, 27 माइनस 12, दोनों आपका करेक्ट है, आपको जो ईजी लगे उसके हिसाब से ही कीजिए एंड आगे हम प्रोसीड करते हैं, क्लियर है। तो हम क्या कर सकते हैं, 27 माइनस 12 तो कर ही सकते हैं, या फिर रिवर्स ऑफ 12 फ्रॉम द लेफ्ट, क्लियर कैसे निकालना है। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन पे, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आपको पूछा गया है विच एलिमेंट इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ 17th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज में 8 टू द लेफ्ट ऑफ 17th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड, मतलब पूछा गया है जो लेफ्ट साइड से 17 जो था उस एलिमेंट के 8 टू द लेफ्ट में पूछा गया है, उस वो 17 फ्रॉम द लेफ्ट जो है, जो क्यू होगा उसके 8 टू द लेफ्ट में क्या है, तो आपको ऐसे काउंट करना पड़ेगा, राइट। लेकिन हम ये नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। एक तो आपके पास ये अल्फाबेटिकल सीरीज जो है वो लिखा नहीं होगा, तो उसको लिखिए मत, कभी भी लिखना ही मत, ठीक है, क्योंकि आप लिखोगे तो उसमें टाइम चला जाएगा, दो मिनट तो ऐसे ही बर्बाद हो गए। तो उसको आपको करना ही नहीं है, आपको टाइम बचाना है, कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम करेंगे कैसे, तो देखिए एक चीज आपने पढ़ा होगा पहले, लाइक पोल्स रिपेल करता है, तो रिपेल मतलब क्या, हम बोल सकते हैं सब्सट्रैक्ट, तो लाइक अगर है तो हम करेंगे सब्सट्रैक्शन, ओके। एंड अगर अनलाइक है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एडिशन, ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका लेफ्ट है एंड लेफ्ट है, मतलब दोनों ही सेम है, अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्ट मतलब किसका सब्सट्रैक्शन करेंगे, 17 और 8 का, 17 और 8 का। अब कौन सी साइड से होगा, जिस क्वेश्चन में जिस साइड से फ्रॉम लगा हुआ है, फ्रॉम जिस साइड से है आपके क्वेश्चन में, उसी से उसी आंसर भी उसी साइड से होगा, तो फ्रॉम लेफ्ट साइड, क्लियर, फ्रॉम
लेफ्ट साइड. तो 17 माइनस 8 मतलब 9 फ्रॉम लेफ्ट. अब 9 फ्रॉम लेफ्ट किसका था? 9 ये, ठीक है. तो इसका मतलब आई, आपका आंसर होगा आई. कितना टाइम लगता है? हार्डली 3-4 सेकेंड्स लगते हैं आपको करने के लिए. बस लेफ्ट एंड लेफ्ट देख लिया तो बस माइनस कर लिया, 17 माइनस 8 हो गया 9. 9 किस साइड से? फ्रॉम द लेफ्ट साइड. तो फ्रॉम द लेफ्ट मतलब 9 फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा है? आई, ठीक है. तो बहुत ही सिंपल होता है एंड यही क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन में आएंगे. इसी क्वेश्चन, इसी कंसेप्ट की भी इसी कंसेप्ट से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम में. एसबीए क्लर्क के एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आपको इसी कंसेप्ट के बेस मिलेंगे. तो बहुत ही ज्यादा सिंपल बन जाता है अगर आपने ऐसे किया तो, ठीक है. तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे यहाँ सेम एक्सप्लेनेशन लिखा है कि लाइक अगर होगा तो सब्सट्रैक्शन होगा एंड अनलाइक अगर होगा तो एडिशन होगा. अब फ्रॉम विच साइड मतलब अगर फ्रॉम राइट साइड से क्वेश्चन में है एंड टू द लेफ्ट या फिर टू द राइट अगर बोला गया है एंड राइट साइड से है तो एक्शन टू बी टेकन क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे राइट साइड से, ठीक है. मतलब बेसिकली वही है कि अगर लाइक है तो आप करोगे सब्सट्रैक्शन, अनलाइक है तो करोगे एडिशन एंड क्वेश्चन में जिस से फ्रॉम है उसी से आपका आंसर होगा. क्लियर? तो वही यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिखा है हमारा सिंस इन क्वेश्चन. तो दोनों बोथ लेफ्ट साइड से था तो सब्सट्रैक्शन हमने किया, तो वही है जो मैंने अभी आपको बताया. तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम, विच एलिमेंट इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ राइट ऑफ 17 एलिमेंट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द सीरीज. अब देखिए राइट राइट है, दोनों अगर राइट है तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे सब्सट्रैक्शन. तो सब्सट्रैक्शन ही करेंगे 17 माइनस 8. अब कौन सी साइड से? फ्रॉम जिस साइड से क्वेश्चन में होता है तो फ्रॉम राइट, ठीक है, फ्रॉम राइट. तो 17 माइनस 8 मतलब 9 फ्रॉम राइट. अब हम दो वे में कर सकते हैं इसको, है ना. तो एक तो हम कर सकते हैं 27 माइनस 9 फ्रॉम लेफ्ट कर सकते हैं, जो होगा 27 माइनस 9 का मतलब है 18, 18 फ्रॉम द लेफ्ट. अब 18 फ्रॉम द लेफ्ट कौन होगा? आर, आर से रजनीकांत, ठीक है. या फिर हम क्या कर सकते थे, 9 फ्रॉम द राइट जो है वो रिवर्स ऑफ किसका है? 9 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है. 9 फ्रॉम लेफ्ट के रिवर्स है. तो रिवर्स ऑफ 9 फ्रॉम लेफ्ट मतलब 9 फ्रॉम लेफ्ट कौन है? 9 फ्रॉम लेफ्ट आई है. तो रिवर्स ऑफ आई क्या होगा? आर. क्लियर? क्लियर है सबको? ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. यहाँ पे आपके आंसर दिया है कि कैसे आपको करना है, जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ लिखा है विच एलिमेंट इज टू द 8 टू द राइट ऑफ 17 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज. अब देखिए यहाँ पे एक राइट है एक आपका लेफ्ट है, ठीक है. तो राइट एंड लेफ्ट है दोनों अनलाइक है तो हम क्या करेंगे? एडिशन, 17 प्लस 8. अब कौन सी साइड से? फ्रॉम क्वेश्चन में जिस साइड से है, तो फ्रॉम किस साइड से है? लेफ्ट साइड से. तो आपका आंसर भी फ्रॉम लेफ्ट साइड ही होगा, ठीक है. तो 17 प्लस 8 कितना होगा? 25. 25 फ्रॉम लेफ्ट. 25 फ्रॉम लेफ्ट किसका है? ये जो टी किसका है? y का. तो आपका आंसर होगा y. बहुत सिंपल. कितना सिंपल है? हार्डली 2 सेकंड लगते हैं करने के लिए, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ 17 एलिमेंट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज. अब यहाँ पे लेफ्ट है राइट है तो वही होगा एडिशन. अनलाइक होता है तो होता है एडिशन. फिर फ्रॉम किस साइड से होगा? फ्रॉम क्वेश्चन में जिस साइड से है, तो फ्रॉम राइट साइड. तो इसका मतलब है 25 फ्रॉम राइट. तो ये हम क्या कर सकते हैं? 25 फ्रॉम लेफ्ट का रिवर्स ले सकते हैं या फिर 27 माइनस 25 कर सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट, है कि नहीं? इतने लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये आप दिमाग में करोगे, ये आप लिखोगे नहीं, ठीक है. यहाँ ताकि आप लोग समझ सको इसीलिए मैं लिख रही हूँ. तो सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, तो सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट किसका है? बी. या फिर हम क्या कर सकते हैं, 25 फ्रॉम राइट जो है वो रिवर्स ऑफ 25 फ्रॉम लेफ्ट है. तो 25 फ्रॉम लेफ्ट किसका है? 25 फ्रॉम लेफ्ट y का है, y का है तो रिवर्स ऑफ y. तो रिवर्स ऑफ y क्या होगा? b. तो आपका आंसर होगा b. क्लियर? तो जो आपको सही लगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब यहाँ तक तो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया कि क्वेश्चन क्या होता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और इसे बोला जाता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज. ये 5 क्वेश्चन के सेट में आता है. अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वो होता है जिसमें नंबर्स, सिंबल्स एंड अल्फाबेट्स सभी के सभी हो, ठीक है, सभी के सभी साथ में हो. ये होता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज. इसी के बेस आपके क्वेश्चन आएंगे. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है?
Which of the following is 8 to the left of the 21st form right n? ठीक है, इसी सीरीज के क्वेश्चन है और आपका यहाँ पे 8 टू द लेफ्ट ऑफ 21st है, तो हम सेम वाला कंसेप्ट यूज करेंगे. पहले ही बोला था तो लेफ्ट एंड राइट जो कंसेप्ट वहां पे था यही कंसेप्ट यहीं पे लगेंगे. और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि दो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो इसी कंसेप्ट से क्या होगा, लेफ्ट एंड राइट है तो क्या होगा, प्लस होगा. लेफ्ट है एंड राइट है, जब भी अनलाइक होता क्या होता, एडिशन. तो 21 प्लस 8 किस साइड से, कौन सी साइड से, राइट साइड से, तो राइट साइड से. ठीक है, तो 21 प्लस 8 मतलब 29. ठीक है, लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट 8 टू द लेफ्ट ऑफ 21st फ्रॉम द राइट एंड, तो 29 फ्रॉम राइट होगा, तो हम काउंट करेंगे सीधा. तो 3 3 3 6 9 हो गया. अब देखिए 3 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर उसके बाद 15 18 18, फिर 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. तो आपका आंसर होगा पी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2. क्लियर, बहुत ही इजी. एंड हमेशा आपके लेफ्ट साइड इस साइड होता है, ये आपका लेफ्ट होता है हमेशा, और ये आपका राइट होता है, ये चीज आपको याद रखनी है. क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. ओके, यहाँ पे लिखा है, देखिए ये 5 क्वेश्चन ही आएंगे आपका, हार्डली आपको 5 सेकंड, हार्डली आपको 1 मिनट लगेंगे. मैंने 2 मिनट तो बताया है लेकिन हार्डली आपको 1 मिनट लगेंगे. तो यहाँ बोला गया है, इफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट आर रिमूव्ड, देन व्हाट विल बी द 7 फ्रॉम द राइट एंड. 7 फ्रॉम द राइट एंड, राइट से 7 कौन होगा अगर सारे नंबर्स को हमने रिमूव कर दिया तो. ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती जो यहाँ लोग करते हैं वो क्या करते हैं, सारे नंबर्स को रिमूव करके फिर से इस जो अल्फान्यूमेरिक सीरीज है उसको लिखते हैं नंबर्स को रिमूव करके. लेकिन ये आपको नहीं करना है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये बिल्कुल टाइम वेस्ट है. आपको क्या करना है, बस हम क्या करेंगे, नंबर्स को कंसीडर नहीं करना है, बोला गया है नंबर्स को रिमूव करना है, तो नंबर्स को कंसीडर नहीं करेंगे एंड बाकी हम राइट साइड से काउंट करेंगे. तो 1 2 3 नंबर्स को कंसीडर नहीं करना है, तो मैं नंबर्स को कंसीडर नहीं कर रही हूँ. ठीक है, आपको ऐसे ही करना है 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज टी. क्लियर, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हार्डली 2 सेकंड्स, इसमें भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. नेक्स्ट, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन ए पोजीशन, व्हिच इज द वन that does not belong to the group. तो basically odd one out है. तो जब भी आपके alphanumeric series आता है वहाँ पे left right वाला concept के base 2 question आते हैं, एक question आपका ऐसे odd one out आता है या फिर series formation में आएंगे. ठीक है, तो यहाँ आपको यहाँ पता करना है कि यहाँ पे जो pattern है वो क्या है. देखिए YBF कैसे हो सकता है, YB एक पीछे आया फिर उसके बाद 2 पीछे गया. ठीक है, फिर VTQ, अब देखिए VTQ V T and Q. अब देखिए यहाँ पे एक पीछे आना चाहिए था, तो ये तो दोनों पैटर्न तो मेल नहीं हो रहा है. नेक्स्ट देखते हैं EWN, तो ये देखिए ये सेम हो रहा है, फिर N हो गया, तो इसका मतलब ये YBF and EWN तो सेम है, ये नहीं मैच हो रहा है. तो HUD देख लेते हैं, HU एक पीछे आया फिर और एक पीछे गया, तो बाकी तीनों जो है वो सेम हो रहा है लेकिन ये जो है वो मैच नहीं कर रहा है, तो यही आपके ऑड वन आउट होंगे. तो आपके आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा है. क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. अब देखिए और जो मैंने ये जो क्वेश्चन दिया है अभी इसी क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के बीच कंसेप्ट से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे. तो यहाँ देखते हैं क्या पूछा गया है, हाउ मेनी सच नंबर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ व्हिच आर देयर व्हिच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द लेटर एंड प्रीसीडेड बाय ए नंबर. अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या होता है, कभी कभी हम यहाँ पे क्योंकि इतने इतने सारे नंबर्स है जब हम करने जाएंगे हम भूल जाएंगे, तो इसीलिए हमें शॉर्टर फॉर्म में लिखना है. जैसे आपको क्या बोला गया है, हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए. ठीक है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली, नंबर के बाद इमीडिएटली एक लेटर आना चाहिए, एंड एंड मतलब लेटर भी आना चाहिए एंड
एक नंबर भी आना चाहिए, प्रीसीडर का मतलब है उससे पहले, ठीक है। तो नंबर ऐसे नंबर्स होने चाहिए जिनके बाद एक लेटर आए और उनसे पहले एक नंबर आए, ठीक है। तो दोनों ही चाहिए, क्लियर। तो हम सीधा नंबर पे चलते हैं, नंबर के बाद लेटर है लेकिन नंबर से पहले नंबर नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर उसके बाद और एक नंबर पे, तो यहाँ पे चलते हैं, तो नंबर के बाद लेटर एनीवेज नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो नेक्स्ट वाले तो हम चेक भी नहीं करेंगे। यहाँ नंबर के बाद एक लेटर है एंड एक उससे पहले नंबर भी है, तो ये हमारा कंसीडर होगा, ठीक है। फिर और नंबर पे चलते हैं, यहाँ पे अगर चलेंगे तो नंबर के बाद लेटर तो है लेकिन नंबर प्रिसीड नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर चले तो यहाँ नंबर तो लेटर तो है लेकिन नंबर नहीं है यहाँ, तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ यहाँ लेटर भी है नंबर है नहीं, यहाँ पे लेटर ही नहीं है तो कंसीडर करके कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे भी लेटर नहीं है तो नो कंसीडर ही नहीं करेंगे, यहाँ लेटर तो है लेकिन नंबर आगे नहीं है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ लेटर तो है लेकिन नंबर आगे नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो ये ओनली एक ही पेयर आपको मिला, तो आपका आंसर है ओनली वन, क्लियर, दैट इज ऑप्शन नंबर टू। बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखने हैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के सेशन के। तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन के बेस क्वेश्चन है, देखिए, हाउ मेनी सच नंबर इन द अबव अरेंजमेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, मतलब हमें नंबर ही चाहिए, व्हिच इज इमीडिएटली आइदर फॉलोड बाय लेटर, मतलब आइदर लेटर से फॉलो होना चाहिए और प्रिसीडेड बाय ए नंबर, और क्या है कि नंबर से प्रिसीड होना चाहिए, ठीक है, लेकिन दोनों नहीं, बट नॉट बोथ, मतलब लेटर एंड नंबर दोनों हमें नहीं चाहिए, क्लियर। तो देखते हैं यहाँ पे, नंबर नंबर मस्ट बी फॉलोड बाय ए लेटर बट इट मस्ट नॉट बी प्रिसीडेड बाय नंबर, तो एक तो हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर नंबर मस्ट बी फॉलोड बाय लेटर, फॉलोड बाय लेटर वो नहीं है, प्रिसीडेड बाय नंबर भी नहीं है, तो ये नहीं हुआ। नंबर फॉलोड बाय लेटर प्रीसीडेड बाय नंबर, तो दोनों है तो नहीं चलेगा, तो ये हम कंसीडर नहीं करेंगे, बट नॉट बोथ, यहाँ पे ये थोड़ा क्वेश्चन में गलत है, बट नॉट बोथ आपका क्लियरली मेंशन होना चाहिए था, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा गलत है, तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वन, वन पे आएंगे तो लेटर से फॉलोड नंबर से फॉलोड नहीं, तो ये कंसीडर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे टू पे, लेटर से फॉलोड नंबर से फॉलोड नहीं है, तो ये कंसीडर होगा, क्लियर। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ठीक है, और एक अगर आ गया तो हम आगे चेक भी नहीं करेंगे। तो फाइव हो रहा है यहाँ पे, तो हाँ मोर देन थ्री आपका आंसर होगा, तो हम बाकी चेक भी नहीं करें क्योंकि फोर आपको ऑलरेडी मिल गया, तो फोर हो फाइव हो या सिक्स हो डजंट मैटर, सारे मोर देन थ्री ही होगा, तो आपका आंसर होगा मोर देन थ्री, क्लियर। तो आई होप सारे के सारे क्लियर है, तो ऑलरेडी आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए, बाकी के 30 मार्क्स हम बहुत जल्दी करेंगे नेक्स्ट सेशन में ही, बाकी के 5 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर हम फोकस करेंगे, तो आपका ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस हो ही जाएगा, 10 मार्क्स आप लेके आ सकते हो वो भी बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड ये जानने के लिए कि बाकी के 5 क्वेश्चंस कैसे करोगे आप 2 मिनट में, ठीक है। तो थैंक यू पीपल एंड स्टे कनेक्टेड।